बैक टू आवर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर क्लास। स्टरडे वी हैव कंप्लीटेड आवर फोर्थ चैप्टर, आवर सेंस ऑर्गन। टुडे वी विल डिस्कस फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट है, व्हाट डू दे हैव? पीपल हु कैन नॉट सी आर हियर हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ टच एंड स्मेल। दे आर थस एबल टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम। जो जिन लोगों में कुछ न कुछ कमियाँ होती हैं, जो देखने में सुनने में असमर्थ होते हैं, उसमें अनुभव का जो होता है सेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। लेट्स रिकॉल, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर आवर फाइव सेंस ऑर्गन्स। दे हेल्प अस टू सी, स्मेल, हीयर, टेस्ट एंड फील रिस्पेक्टिवली। ये हमारा देखने, सुनने, चखने, सूंघने, महसूस करने में मदद करते हैं। आवर स्किन कैन सेंस डिफरेंट सेंसेशन लाइक दैट ऑफ पेन एंड टच। हमारी स्किन जो है, त्वचा जो है, विभिन्न तरह के अनुभवों का एहसास करती है, तकलीफ का, दर्द का, ठंडे गर्म का। इफ़ वी फील कंफर्टेबल एंड सेफ व्हेन टच्ड बाय समवन, जब हमें किसी के द्वारा छुआ जाता है, टच किया जाता है, उस टच को जब हम कंफर्टेबल या सुरक्षित महसूस करते हैं, इट इज़ कॉल्ड गुड टच। इसको क्या कहते हैं? गुड टच कहते हैं। इफ़ वी फील अनकम्फर्टेबल एंड अनसेफ व्हेन टच्ड बाय समवन, इट इज़ बैड टच। वी शुड टेल आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स अबाउट इट इमिडिएटली। जब कोई हमें इस ढंग से छूता है, मारता है, पीटता है, तो हमारे लिए क्या होता है? बैड टच होता है। उसको हम अपने पेरेंट्स से तत्काल बताते हैं। सम पीपल मे नॉट बी एबल टू सी, हियर, स्पीक और वॉक। कुछ लोग अनेबल होते हैं किसमें? सुनने में, बोलने में, चलने में। दे आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ये लोग क्या होते हैं? डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, विभिन्न तरह से अयोग्य जो है लोग होते हैं, जिनमें कोई ना कोई क्षमता है। इन होमवर्क यू विल राइट दीज फाइव पॉइंट्स। फर्स्ट, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर आवर फाइव सेंस ऑर्गन्स। दे हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील रिस्पेक्टिवली। आवर स्किन कैन सेंस डिफरेंट सेंसेशन लाइक दैट ऑफ पेन एंड टच। इफ वी फील कंफर्टेबल एंड सेफ व्हेन टच्ड बाय समवन, इट इज कॉल्ड गुड टच। If we feel uncomfortable and unsafe when touched by someone, it is called bad touch. We should tell our parents and teachers about it immediately. Some people may not be able to see, hear, speak or walk. They are differently abled people. Thank you. In homework, you will write these 5 points. Neat and clean. Tomorrow I will do exercise of this chapter.